हेलो फ्रेंड्स, हूँ डॉक्टर जयदेव धामिलिया, गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग निष्णात, केंडोर आईवीएफ सेंटर, राधा हॉस्पिटल, सूरत थी। प्रेग्नेंसी दरमियान घनी बड़ी एवं परिस्थितिओ हो जेना विषे माहिती लेवी खूब जरूरी है, जेथी करीने सारवार में डॉक्टर माटे ने दर्दी माटे सरलता रहे। तो आज बहुत सरस मजाने विषय पर बात करीश, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, गर्भाशय मुख पर मेली एट के मेली भाग नीचे हो। जो कि आ परिस्थिति बहुत कॉमन नहीं, पर आ परिस्थिति जो हो तो खूबज समझवी जरूरी है, बहुत डेन्जर कंडीशन बाड़क ने माता माटे क्रिएट कर सके। तो आ विषय आज समझिए कि प्लेसेंटा प्रीविया मेली नीचे होवी ए शू है। तो सौथी पहला समझिए कि प्लेसेंटा एटले शू, मेली एटले शू। तो सौ प्रथम बाड़क है पोषण लेवा माटे बाड़कनी नाल प्लेसेंटा साथ जोड़ेली हुई है। आ प्लेसेंटा गर्भाशयनी एटले के माना गर्भाशयनी उदरनी साथे दीवाल पर चोंटेली हुई है। तो आ प्लेसेंटानु लोकेशन, आ प्लेसेंटा क्या होवी ए खूब जरूरी है। नॉर्मली आ रीते प्लेसेंटा ऊपरना भाग में हो अथवा तो आगळ अथवा पाछळना भाग में हो, पण जो आ रीते गर्भाशयना मुख पर हो तो तकलीफ थई शके छे। तो प्लेसेंटा प्रीवियाना चार प्रकार हो, आपणे समजीए कि गर्भाशयना मुखनी दूर हो प्लेसेंटा, पण जर प्लेसेंटा गर्भाशयना मुखनी नजीक होय एने कवर ना करतो होय एने लो लाइंग प्लेसेंटा कहेवाय, एटले के मेली नीचे होवी। परंतु प्लेसेंटा प्रीविया जेमा मेली छे ए गर्भाशयना मुखने कवर करे छे। अने त्रीजुं छे कम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के जेमा प्लेसेंटा गर्भाशयना मुखने कम्प्लीटली कवर करे छे। तो आ प्रकारना चार प्लेसेंटा प्रीविया होय छे। तो आपणे समजीए कि आने निदान केव रीते थी शके। तो आदान एक पॉसिबल है कि गर्भाशयना मुखनी सोनोग्राफी, जरा सोनोग्राफी कर प्लेसेंटा लोकेशन क्या है। नॉर्मल रीते शुरुआत पांच महीना दरमियान प्लेसेंटा 10% केस में नीचेना भाग में हो, परंतु जम जम गर्भ मोटो थे, जम जम गर्भाशय मोटू थत थम प्लेसेंटा से ऊपरना भाग में माइग्रेट थती हो। बीजू समझिए कि आ परिस्थिति हो तरह शू खास ध्यान रखू जो। तो सौ प्रथम अपने जेम बात करें कि गर्भाशयना मुख में नीचे मेली होवाना कारण ब्लीडिंग थया करतु हुए छे। तो आ ब्लीडिंग थवाना कारण हिमोग्लोबीन नी खास उणप सर्जाती हुए छे। आती हिमोग्लोबीन 10 ग्राम करता वधारे होवू खूब ज जरूरी छे। तो आ माटे हिमोग्लोबीन नी मेडिसिन्स अथवा तो जो हिमोग्लोबीन खूब वधारे होय घटी जाए तो आवा केस में हिमोग्लोबीन वधवाना इंजेक्शन लेवा पड़ता हुए छे। अने जो हिमोग्लोबीन एना करता पण खूब ओछू होय, ब्लड ओवर लॉस थई गयो होय तो आ केस में लोहीना ब्लाटला पण चढ़ावा जरूरी है। बीजू आवुं ब्लीडिंग ना थाय एना माटे शुं ध्यान राखवुं जोईए, तो कि ज्यारे प्लेसेंटा प्रीविया होय एटले के गर्भाशयना मुख पर मेली होय एवा केस में लांबी मुसाफरी एवॉइड करवी जोईए, यौन संबंध नहीं राखवो जोईए अने खूब परिश्रम हार्डवर्क नहीं करवो जोईए, लिफ्टना ऊपर नीचे थवानुं बने तेटलुं एवॉइड करवुं जोईए अने डॉक्टर पासे जईए त्यारे इंटरनल चेकअप बने त्यां सुधी कम्पलसरी बंद ज राखवा जोईए। शू तकलीफ थती हुए ये जोईए आपणे। तो सौ प्रथम मैं बात करी एम कि ब्लीडिंग थवाना कारणे माता ने हिमोग्लोबीन की उणप थती हुए छे अने घणीवार जो ब्लीडिंग खूब वधारे थाय तो जीवनुं जोखम पण ऊभुं थतुं हुए छे। शरूआत में ब्लीडिंग ओछुं थतुं हुए छे, फर्स्ट एपिसोड जनरली ओछुं ब्लीडिंग हुए छे, पण घणीवार एवुं बनतुं हुए छे कि ब्लीडिंग नेक्स्ट एपिसोड में खूब वधारे थतुं हुए छे। तो समझिए कि बीजुं बाळक उपर शुं असर थाय छे। जो हिमोग्लोबीन ओछू होवाना कारणे बाळकनुं वजन ओछू आवी शके छे। बीजू जो ब्लीडिंग खूब वधारे होय तो अर्जंटली सीजेरियन करवू पड़तुं होय छे माताने बचाववा माटे। तो बाळकनुं अधूरा महीने डिलीवरी करावी घणीवार अनिवार्य बनी जतुं होय छे, कम्पलसरी बाळकने अधूरा महीने लई लेवू पड़तुं होय छे अने बाळकने आ रीते एनआईसीयूमां राखीने एनुं પોષણ કરવું જોઈએ। બીજું કે પ્રેગ્નન્સીની ડિલિવરી કેવી રીતે થવી જોઈએ, મોડ ઓફ ડિલિવરી કેવી રીતે હોવું જોઈએ એ ખૂબ મહત્વનું છે। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया कम्प्लीटली कवरिंग होय एवा केस में कम्पलसरी सीजेरियन ज करवो जोईए, अथवा तो हेवी ब्लीडिंग होय त्यारे सीजेरियन करवो जोईए। अदरवाइज जो प्लेसेंटा नीचेना भाग में होय पण गर्भाशयना मुखने कवर ना करती होय अने एंटीरियर एटले के पेटना आगळना भाग में होय तो एवा केस में नॉर्मल डिलीवरी शक्य छे, परंतु केर लेवी खूब जरूरी छे। जो हेवी ब्लीडिंग थाय तो एवा केस में सीजेरियन करवू खूब जरूरी छे। बीजी बहु महत्वनी बात, घणीवार आगळनी डिलीवरी जो सीजेरियन थी थयेली होय अने प्लेसेंटा जो एना भाग पर चोंटेली होय एटले के आगळना भाग पर चोंटेली होय तो घणीवार एवी डेन्जर कंडीशन थती होय छे कि प्लेसेंटा गर्भाशयनी दीवालने क्रॉस करीने बहार तरफ आवती होय छे, जेने प्लेसेंटा एक्रिटा के प्लेसेंटा परक्रिटा थी कहेवाय छे। एनी एनुं निदान सोनोग्राफी वडे कम्पलसरी थवुं खूब जरूरी छे, कारण कि एवा केसमां घणी वखत एवुं बने कि गर्भाशय पण काढी नाखवुं पड़तुं होय छे, आटली डेन्जर कंडीशन क्रिएट थती होय छे। तो आ प्लेसेंटा प्रीवियामां
તકેદારી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. પ્લેસેન્ટા પ્રીવિયાની પર્ટિક્યુલર કોઈ સારવાર નથી કે કોઈ દવા કે ઇન્જેક્શન લેવાથી આપણે પ્લેસેન્ટાને ઉપર તરફ લઈ શકીએ કે કોઈ સર્જરી કરીને આપણે આગળ નથી લઈ શકીએ. પ્લેસેન્ટા જો ગર્ભાશયના મુખ પર હોય તો સાવધાની એ જ મહત્વનો ઉપાય છે. તો અમારા વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરો અને લોકોને સાચી માહિતી આપીએ. થેન્ક યુ.